बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। दुख इस बात का है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार में चुनाव आ गए, चुनाव से डर वाजिब है, लेकिन चुनाव मुद्दों पर और अपने काम पर लड़ा जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार छात्रों को और मजदूरों को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहली सरकार थी देश में जब भारत सरकार का भी विरोध कर रहे थे आप। राज्यों की सरकारें सब छात्रों को ले रही थी, मजदूरों को ले रही थी, लेने जा रही थी, सब अपना काम कर रहे थे। तब आपने साफ मना कर दिया कि हम मजदूरों को छात्रों को नहीं लेंगे। कोटा के छात्रों ने आंदोलन कर दिया आपके खिलाफ, मजदूरों ने आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया। आप उस आंदोलन से डर गए और डर कर बाद में आपको आपके मुख्यमंत्री जी को यह बयान डालना पड़ा। टीवी पर आपने विज्ञापन दिए, अब हम जो भी मजदूर आएगा उसको 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, उसका सम्मान करेंगे। फिर आपने राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की, बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए आएंगे, हमारे खर्चे पर लेने के लिए आएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार सरकार हो, सब सबकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम हमारे बच्चों को खुद लेने के लिए आएंगे। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जो श्रमिक बसें लगाकर बिहार, यूपी सब जगह मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट के मामले में आपने खुद ने पे किया, हमने आपसे मांगा नहीं पैसा। आपको खुद को आने वाले चुनाव में अपनी फेस सेविंग करनी है और उस फेस सेविंग में अपना बचाव करने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए आपने ये काम किया। आज आपको याद कैसे आ गई है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? हम तो बच्चों को भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने ये कहा हम हमारे खर्चे पर बच्चों को लेकर जाएंगे। और आपने एहसान नहीं किया है, हम भी हमारे मजदूरों को, बच्चों को जब लेकर आ रहे हैं बाहर से, पेमेंट करते हैं फिर लेकर आते हैं। तो आपने यदि अपने बच्चों के लिए पैसे दे दिए ट्रेन के, तो एहसान थोड़ी ना किया है। मुद्दों को घुमाइए मत, बिहार का चुनाव अपने काम पर लड़िए। बिहार के चुनाव का मुद्दा नहीं है ये। अब बिहार के चुनाव में अपना बचाव करने के लिए सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। हमने एक पैसा सुशील मोदी से और नीतीश कुमार जी की सरकार से नहीं मांगा।